माय डियर स्टूडेंट, आपने इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया। अब जो एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने एक्सरसाइज 1C में भी बनाया है, मैंने उसे पढ़ाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अछूता ना रहे, हमारे स्टूडेंट्स सारे सवाल का आंसर करें, इसलिए मैं काफ़ी समय लेकर के धीरे धीरे करके मैं सारे सवाल को बताने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, आपको कुछ याद आएगा। इन ए टेस्ट प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स मिलता है, अगर रॉन्ग हो जाता है तो -1 मिलता है। क्वेश्चन है कि रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, रोहित ने सारे सवाल का जवाब दिया एंड स्कोर 30 मार्क्स, लेकिन उसको 30 नंबर आया। ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, उसने 10 करेक्ट आंसर बनाए। फाइंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय रोहित। मैं आपको बताता हूं, 10 करेक्ट आंसर्स रोहित ने दिए हैं और टोटल करेक्ट किया है। अगर मार्क्स को देखें, ऑब्टेंडेड इन 10 करेक्ट आंसर, 10 करेक्ट आंसर में कितना मार्क्स रोहित को मिला? एक आंसर अगर करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स मिलता है, यानी रोहित को मिला 50 मार्क्स। अब भाई आया कितना? बट रोहित गेट ओनली 30 मार्क्स, 50 माइनस 30। अगर सारा 10 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट था तो 50 नंबर आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 30। तो कितना मार्क्स कम हुआ? इक्वल टू 20 मार्क्स डिडक्टेड इन रॉन्ग आंसर। सो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 20 मार्क्स डिडक्ट हुआ, और एक क्वेश्चन के लिए -1 हो रहा है, तो 20/1 कर दीजिए, यानी 20 आंसर्स जो है उसका गलत हुआ। तभी तो 20 में एक क्वेश्चन में एक मार्क्स कट जाता है, तो 20 में 20 मार्क्स कट गया, तो 20 मार्क्स कट गया 50 से, तो इसलिए उसको 30 मार्क्स मिला। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7 तक तो बता दिया, मैं आपको इसका एक इमेज भी भेजूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वह भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दिया है। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमसे संपर्क करेंगे। आपका इंटीजर चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, फिर भी इसमें बनाने लायक जो भी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बनाएं, और जिस तरह की भी समस्या हो उससे आप हमें अवगत कराएं, ताकि मैं अपने वीडियो के अगले सेशन में उसको दुरुस्त कर सकूं। मेरा उम्मीद है कि फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का स्टडी करेंगे, जो है फ्रैक्शन। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।